श्री राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन में। एक वृंदावन में एक नया मंदिर खुला हुआ है श्री बालाजी धाम के नाम से। चलिए मैं इसकी अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा है ये, और इसका यहाँ पे महत्व भी बताऊँगा, यहाँ के पुजारी जी से भी बात कराऊँगा, और वीडियो में बने रहें। यह वृंदावन के अपना अटल्ला चुंगी के पास है, और आप को इस मंदिर के अंदर ले जाने वाला हूँ। इस मंदिर के दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है। चलिए वीडियो में बने रहें। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान जी बालाजी के दर्शन कराऊंगा। यह मंदिर बहुत ही अच्छा है और नया खुला हुआ है वृंदावन में। चलिए आपको इसके दर्शन कराने वाला हूँ। बाहर से ये ऐसा दिखता है और अपना ऐसा है ये बाहर से इसका एंट्रेंस, और मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना आ रहा है प्रेम मंदिर की साइड से, और आपको इधर ही पड़ेगा अटल्ला चुंगी है, इधर अटल्ला चुंगी के पास। चलिए वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मंदिर के अंदर का दृश्य। गेट पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मंदिर है। ये देखिए हनुमान चालीसा लिखी है इस स्तंभ पे, इतना बड़ा स्तंभ बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही शानदार, और ये आपका हनुमान चालीसा लिखी हुई है इस स्तंभ पे, और अब 16 अप्रैल को उद्घाटन हुआ था इस मंदिर का, ये आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर फुहारे वगैरह चल रहे हैं। आगे ये देखिए बहुत ही शानदार एंट्रेंस, अभी इसके अंदर चलने वाले हैं। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मंदिर में। ये इधर का रिसेप्शन एरिया, ये रिसेप्शन एरिया है, हनुमान जी वीणा बजाते हुए। ये यहाँ के मान जी हैं, नीम करौली बाबा हनुमान जी के भक्त। देखिए यहाँ का रिसेप्शन एरिया, इधर लिफ्ट लगी हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये गणपति जी हैं। जय मेरे गणपति जी की जय हो, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गदा रखी हुई है, आप इसके दर्शन कीजिए। ये देखिए यह गदा दी हुई है इनको, राम मंदिर से मिली हुई है। चलिए आगे देखिए, ये अपना रिसेप्शन एरिया, यहाँ के श्री वृंदावन बालाजी सरकार जय श्री, यहाँ के महंत हैं। ये रिसेप्शन एरिया, जय बजरंगबली, जय श्री राम, नीम करौली बाबा हनुमान जी, इनकी गद्दी, ये बजरंगबली जी। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा बना हुआ पूरा। चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाने वाला हूँ। ये एंट्रेंस ऐसा है,
श्री वृंदावन बालाजी मंदिर प्रवेश द्वार। चलिए अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस है। श्री बालाजी मंदिर वृंदावन आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हनुमान जी विश्राम करते हुए, ये देखिए विश्राम कर रहे हैं हनुमान जी। ये हनुमान जी यह मंदिर हनुमान जी के 5 भाई के नाम पर समर्पित है। बहुत ही शानदार मंदिर है। और आप इधर आए और ये देखिए आरती के समय ये बजता है। और ये है हनुमान जी, ये बालाजी भगवान की आरती लिखी हुई है। यहाँ पर आरती पढ़े, बिल्कुल शांत आराम से ध्यान लगाएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली जी, जय बजरंग बली जी, जय जय बजरंग बली जी। बहुत ही शानदार मंदिर। ये इधर है हनुमान जी की, वानर राज श्री केसरी जी की गोद में बाल हनुमान जी, देख सकते हैं आप। दर्शन कीजिए हनुमान जी, बहुत ही शानदार मंदिर, बड़ा शांत मंदिर। ध्यान लगाएं इधर आकर आप। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। ये देखिए इधर झूमर। अभी मैं यहाँ के पुजारी जी से बात कराऊंगा इस मंदिर के बारे में। आप जानिए इस मंदिर के महत्व क्या है। और मैं अभी पुजारी जी से बात कराने वाला हूँ, लोग बात करिए। यह विश्व का इकलौता अनूठा मंदिर है। यह हनुमान जी महाराज के साथ उनके 5 भाइयों के दिव्य दर्शन है। भगवान वेदव्यास जी द्वारा ब्रह्मांड पुराण में अंजनी माई के 6 पुत्रों का विवरण दिया गया है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी पीछे बोर्ड पर पढ़ लीजिए आप। अंजनी माई के सबसे बड़े पुत्र सौम्य रूप में मुस्कुराते हुए श्री हनुमान जी महाराज और उनकी सेवा में 5 पीछे उनके भाई श्रीमती मान जी, श्री सुरती मान जी, श्री केतु मान जी, श्री गति मान जी, श्री धृति मान जी, नाम आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरफ लिखे हुए हैं। ऊपर दर्शन करेंगे सूर्यवंशी सीताराम जी के साथ चंद्रवंशी राधेश्याम जी के दर्शन। इधर सालासर बालाजी जो राजस्थान में विराजित हैं। इधर हनुमान जी महाराज की जन्म कुंडली के दिव्य दर्शन जो भारत में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और अंतिम दर्शन मंदिर के बाहर विश्व का इकलौता हनुमान चालीसा स्तंभ।
इसलिए इस मंदिर को विश्व का इकलौता अनूठा मंदिर कहा जाता है। बोलो सिया बलराम चंद्र भगवान की जय। यह अभी मैंने यहाँ के पुजारी जी से जाना यहाँ का महत्व। आपका नाम क्या है पुजारी जी? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे जो भी मंदिर के बारे में जाना और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के पुजारी जी ने बताया। और यह है मंदिर पांच भाइयों को समर्पित है। ये आप देख सकते हैं हनुमान जी, श्री गतिमान जी, अपना श्री श्रुतिमान जी और श्री श्री केतुमान जी, श्री गतिमान जी, श्री धृतमान जी। और ये देखिए आप मंदिर का दृश्य है, बहुत ही अच्छा। और ये सामने हनुमान जी हैं और आपने देखा बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है। इसके यहाँ पे मैं अभी परिक्रमा लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से परिक्रमा है, इधर से परिक्रमा है, इनकी हनुमान जी की परिक्रमा लगा सकते हैं। देखिए और ये देखिए बाहर निकलेंगे इधर। बहुत ही शानदार मंदिर आप देख सकते हैं। इधर आकर ध्यान लगाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, पाठ करें। यह मंदिर का दृश्य है, बहुत ही शानदार। आप इधर आए, वृंदावन में है। और चलिए मैं वीडियो यहीं पर ही समाप्त करूंगा। और थोड़ा सा हो सकता है मैं बाहर से भी दिखाऊं आपको जो चीज़ अभी मैंने नहीं दिखाई है उस मंदिर के बारे में, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी।